नमस्कार मरम छात्र छात्री आज मैं हिंदी आलोक भाग गद्य खंडर प्रथम गद्य तो पढ़ाई दिम। गद्य तो लिखिल रामधारी सिंह दिनकर। परिचय तो तुम लोग पढ़ी लबा। हिम्मत और जिंदगी। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की चाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की चाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में अमृत वाला तत्व है, उसे वो जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वो नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। यार होमिया तो मैं कोई दिसू पाठ हल हिम्मतर जिंदगी माने साहस और जीवन। जीवन प्रकृत आनंद সেইজনে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে যিজনে ফুলৰ ছায়াত খেলে আৰু শুয়ে। কিন্তু ফুলৰ ছায়াত যদি জীৱনৰ কোনো আনন্দ লুকাই আছে তেন্তে সেই আনন্দ সেইজনৰ বাবেহে যিজনে দূৰ মৰুভূমিৰ পৰা আহিছে, যাৰ কণ্ঠনলী শুকাই গৈছে, ওঠ ফাটি গৈছে আৰু গোটেই শৰীৰটো ঘামত গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈছে। পানীত অমৃতৰ তত্ত্ব আছে, সেইটো তেওঁহে জানে যিজন ৰ'দত বাৰুকৈ শুকাই গৈছে। সেইজনে নাজানে যিজনে কেতিয়াও মৰুভূমিত পদাৰ্পণ কৰা নাই। সুখ দেনে বালি চিজে পেহলে ভি অৰ অব ভি হে, ফৰ্ক ইয় হে কি জো সুখো কা মূল্য পেহলে চুকাতে হে और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। माने सुख दिब परा बस्तु आगतेओ आसिल आरु एतियो आसे। पार्थक्य एटुए जे सुखर मूल्य जिजने आगते परिशोध करिसे आरु इयार स्वाद पिछत लबलै आहिसे সিজনে অধিক সোৱাদ লাভ কৰিছে। যিজনে সহজতে সুখ ভোগ কৰে সেইটো তেওঁৰ বাবে আৰাম বা সুখ মৃত্যুৰ নিচিনা। জো লোক পাও ভিগনে কে খৌফ সে পানী সে বচতে ৰহতে হে, সমুদ্ৰ মে ডুব জানে কা খতৰা উনহি কে লিয়ে হে, লহৰো মে তৈৰনে কা জিনহে अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। जिजने भरी तितार भय पानी नानामे, सगर डुबी मरार भय आसे। सगर ढौर सहित सतुरा जिजर अभ्यास आसे सगर तलर पर मुकुता आनब पार। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटता है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। ৰাতিৰ জোনাকৰ শীতল পোহৰৰ আনন্দ সেইজনে ল'ব পাৰে যিজনে গোটেই দিন ৰ'দত থাকি শুকাই ঘৰলৈ উভতি আহিছে, যিজনে শৰীৰ পাতল হোৱাৰ বাবে অনুভৱ কৰিছে আৰু যিজনৰ মন এইটো জানি সন্তুষ্ট হৈছে যে গোটেই দিনটো তেওঁ কোনো যেন ভাল কামত লগাইছে।
इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियाँ बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात के जिसके सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वो चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वो खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सर रहा है। यार बाहिरे यार विपरीत एने एजन मानुह आसे जी हकले दिनर दिनटो दर्जा खिड़की बंध करी फेनर तलत बहि आसिल आरो राति हुआर बिछना बाहिरर जुनर कोमल पोहरत पाती लैछे। तेओर निश्चय भ्रम हब लागिब जे तेओ जुनाकर पोहरत हुआर आनंद पाइछे, किन्तु सचा कथा कबलै हले हेइ फुलर सुगन्धमय रसत दिन राति होइ आसे। उपवास और संयम यह आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। ट्रैक्टन भुंजिथा जीवन को भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। उपवास और संयम आत्महत्यार आहिला नहय। भोजनर आसल स्वाद सेजनेहे पाए जिजने बहुत दिन लघुणे थाकिब पारे। तक्तेन भुंजिथा अर्थात त्यागर माजेरे जीवनटो उपभोग करा, एटो भगवानर उपदेश नहय, कियनो संयमर माजेरे भोग करिले जी आनंद पुआ जाय हे आनंद निरामिष भुजिए अनुभव करिब नोवारे। मरमर छात्र छात्री सकल अहाबार कालांखन मय बाकीखिनि पढ़ाई दिम, आजि ইয়াতে এৰিলোঁ। ধন্যবাদ।